गलत काम हो रहा है सर, ये आर्थियों को भी मुसीबत हो रही है, हमारे को भी मुसीबत। जो लोग ला रहे हैं ना जी, चाहे पलम है, चाहे नाशपाती है, चाहे टाइट मैन है जी, 28 किलो, 24 किलो, 2 किलो बोल रहे काट देंगे, काय का कटना भाई 2 किलो। मटर ले जाते उसमें बोरी वापिस मिलती है जी, हमारा पैसा वापिस दिया जाए, जो 2 किलो काट रहे हैं ना उसका पैसा वापिस दो हमारे को। ये तो गलत बात है भाई सरकार की। हम सरकार से अर्ज करते हैं कि भाई या 24 किलो की पेटी दो हमारे को, या क्या जैसा पहले था वैसा रखो। ये तो परेशान करने वाली बात है भाई, आर्थी भी तंग हो रहे हैं ना बेचारे, वो भी क्या करेंगे आर्थी लोग जी। नहीं जी, आप भी बताओ इस बात को, ये डिसीजन ठीक होना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है सब लोग स्ट्राइक करेंगे और सरकार को मुसीबत पड़ जाएगी इसके बारे में जी। अगर ये आप क्या चाह रहे हैं, यानी कि जो पहले बिकता था या फिर जो 24 किलो मापदंड है उसमें छूट होगी, किस तरह चाहते आप? देखो हम जो पहले था, जब तक 24 किलो की पेटी नहीं आती तब तक जो प्रणाली जैसा सिस्टम था ऐसा सिस्टम रखो। सरकार से मेरा अनुरोध है, देखो बड़ी बड़ी चीजें डिसाइड होती पर है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि किलो के हिसाब से अच्छे रेट मिल रहे हैं मेरे। अरे अच्छे, उससे भी कम मिल रहे हैं भाई साहब। जो आपका हमारा सेब 3500 में जाता था, 2400 में जा रहा हो, वो सोचा कि एक लॉट बेच दिया 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। वो तो हम बोलते हैं कि देखो ये गलत बात है, ये इसके बारे में सरकार को पेन उठाना चाहिए, कि सोचना चाहिए जिम्मेदार के बारे में। हम सरकार को वोटे देते हैं, वोटों को सरकार को बनाते हैं कि हमारे गरीबों का, किसान भाई का भला करे। नहीं जी, ये बात ठीक है कि गलत है? किसान जिम्मेदार भाई है भाई, जिम्मेदार लोग है, इसके जिम्मेदारों के बारे में सोचना चाहिए। जो बेचारा जिम्मेदार जो है सवेरे से शाम तक बगीचे की मेहनत करता है, अपने बेटे से ज़्यादा ही उसकी मेहनत करता है। नहीं, आप भी बोलो सर इसके बारे में। मेरी अर्ज है आप लोगों से कि भाई जो है जो इंसान जो सेब को उगाता है उसको पता है कि भाई क्या मुसीबत करनी पड़ती है। रात दिन बगीचे में कीड़ा उसमें लगता है, कटिंग उसमें, खाद, गोबर, जो क्या कहते हैं, सरकार इसके बारे में सोचे। अगर सरकार इसमें फैसला यही रखती है तो किस तरह का कदम उठाएंगे आप? अब हम तो बड़े खुश होंगे सरकार का, हम तो धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार यहाँ पर रखती है मापदंड 24 किलो ही तो क्या करेंगे फिर? 24 किलो हम स्ट्राइक में जाएंगे, लोग आगे आने के लिए स्ट्राइक के लिए लोग बोलते हैं कि हम तो भाई नहीं मानेंगे 24 किलो का। क्या रहेगा गरीब आदमी के पास, अगर 50 बेटी है किसके पास होगा, एक कहाँ से लाएगा 10,000 कांटे के लिए, कहाँ से लाएगा बेचारा? 50 बेटी होती है कई के, कई 6,000 आए उनको तो फायदा भाई जी। हाँ, जो छोटे तो सरकार इसमें ये कह रही है कि अगर आप ज्यादा भार देंगे, ज्यादा पड़ी बेटी देंगे तो उसमें दागी होता है सामान, आपका जो चीज सेब है दागी। सरकार को, सरकार किसने बनाई? जिम्मेदारों ने, किसान ने बनाई है सरकार भी। उनको क्या पता बगीचे में मंत्री बन गए और क्या कहते हैं, उनको क्या पता भाई कि भाई दागी होती है क्या होती है। हम किसान भाई है, मेरे छोटे किसान भाई है जो गरीब है, वो मेहनत रात दिन करते हैं, चाहे मटर है, चाहे बीन है और चाहे सेब है। सेब की देखो ना, गोभी मटर जाता है, बीन जाता है, उसका वापिस हमारे को बोरी मिलती है, शाम को बोरी देते हैं, वापिस देते हैं, मटर बीन बिक जाता है हमारा। और यहाँ सेब के लिए बोलते हैं 2 किलो कम करो जी, इसमें काय के करो 2 किलो, या हमारे को पेटी के पैसे दो, कार्टन का पैसा तब कटना 2 किलो हमारे जी। हम इस बार यानी कि आप चाहते कि जो यहाँ पर फैसला लिया गया कि 2 किलो काटा जा रहा है गत्ते का, या तो गत्ता वापस दे या 2 किलो ना काटे जाए। 2 किलो ना काटे, अगर काटते 2 किलो उसका पैसा दिया जाए हमारे को जी। तो पैसा किसी गत्ते का चाहते हैं आप? गत्ते का चाहते हैं सर। देखो हमारे को भी 200 रुपये पेटी, देखो ना 200 रुपये पेटी ब्रांड की मिल रही है जी। सरकार बोलती है हमने 170 कर दिया जी, 180 कर दिया जी, तो क्या फायदा उसका 180 करके? अगर हमारा 2 किलो कटे जाएगा, 200 रुपये बिकेगा तो 200 कम हो जाएगा हमारा, 200 कम नहीं होगा जी, 200 कम हो जाएगा। अगर 100 रुपये किलो बिकता, 100 रुपये कम, हमारे को उसका पैसा दे दो। हमसे हमारी आप लोगों से अर्ज है भाई, और सरकार से भी अर्ज है, इसके जिम्मेदार के किसान भाइयों के बारे में सोचा जाए।